डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हमारा बहुत ही आसान और एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसे नाम दिया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या हमारा डिग्री ऑफ ए फ्रीडम? देखो बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा एटम है, जैसे आपको पता है तीन प्लेन होते हैं हमारे, एक्स y और z, ये x y z ऐसे भी ले सकते हो कि कोई भी जो एटम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो उस पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो एटम है वो कौन से कोऑर्डिनेट में, वो x कोऑर्डिनेट में है, y कोऑर्डिनेट में है या z कोऑर्डिनेट में है, मतलब किसी भी एटम की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मिनिमम थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, क्योंकि वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक जो चीज़ कंपलसरी रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी थ्री एन फ्रीडम रहेगी। दूसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो तीन तरह की हो सकती है, कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल और तीसरी हमारा रोटेशनल। कौन कौन सी है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। मतलब सबसे पहला हमारा ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन जो है मॉलिक्यूल का वो क्या करता है, हमारा जो मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। किसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा उसको, हम इसको तीन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर हमारे कितने ट्रांसलेशनल मोशन होंगे, थ्री ट्रांसलेशनल मोशन होंगे। कितने होंगे हमारे, थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री, और जो बाकी के बच गए हैं उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, थ्री एन माइनस थ्री। मतलब ये जो बाकी के बच गए हैं कोऑर्डिनेट्स वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो रोटेशनल के लिए हो गए, बाकी कौन बच गए, वाइब्रेशनल, और जो थर्ड वो हमारा कौन सा बच गया, रोटेशनल। क्लियर है। अब हम बात करें दो तरह के मॉलिक्यूल हमारे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के लिए हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, 3n माइनस 5, जहां पे n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ एटम, जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो वैल्यू आप पुट कीजिए। तो 3 इंटू, सपोज करते हैं दो एटम है डायटोमिक के लिए, तो 3 इंटू 2 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1। मतलब इसके अंदर जो वाइब्रेशनल मोशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कितना है, 1 है। और अगर ये किसके लिए बेटा, हमारा लीनियर के लिए, और अगर मॉलिक्यूल जो हमारा वो कैसा है, नॉन लीनियर है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा हमारा, 3n माइनस 6। क्या होगा फार्मूला, 3n माइनस 6, ये नॉन लीनियर के लिए होगा। क्लियर है। तो आज के टॉपिक में हम यही बातें पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आपका ये टॉपिक आता है तो आपको किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है वो बातें जो है मैं आपको अब इस लेक्चर के अंदर आगे बताऊंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है बेटा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to explain the position of all atoms in a molecule। क्या बेटा degree of freedom हमारी, कि कितने number of coordinates हमें चाहिए ताकि हम किसको explain करें, जितने भी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सके बेटा, वो क्या हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया उसके लिए हमें मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तीन कोऑर्डिनेट्स की। तो क्या लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ ईच एटम इज डिफाइंड बाई थ्री कोऑर्डिनेट्स। कि कोई भी एटम है अगर हमें उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम जो है या मिनिमम जो है हमें उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, थ्री कोऑर्डिनेट्स की। वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे हमारे, एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस
और थर्ड क्या होगा हमारा जेड एक्सिस। क्लियर है। अब सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ एटम है एन, कितने नंबर ऑफ एटम है एन, तो मिनिमम तीन कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ एटम है एन, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थ्री एन के द्वारा। इसे एक्सप्लेन करेंगे थ्री एन के द्वारा, मतलब कोऑर्डिनेट्स, या फिर बोल सकते हैं हम टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ एन एटम्स वी नीड थ्री एन कोऑर्डिनेट्स। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, थ्री एन ए कोऑर्डिनेट्स की। एंड ए मॉलिक्यूल हैज थ्री एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा बेटा वो हमारा कितना होगा, थ्री एन होगा। क्लियर है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, कितने टाइप की बताई थी बेटा मैंने भी, तीन टाइप की। कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल नंबर दो, वाइब्रेशनल, और नंबर थ्री होगी बेटा हमारी रोटेशनल। तो थ्री एन डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी होगी हमारी, या जो काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलों में तीन तरह के मोशन के बारे में बताती है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। इसके बाद अब तीन तरह का मोशन है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। किसको डिस्कस करेंगे बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। अभी मैंने आपको बताया था जो ट्रांसलेशनल मोशन है मॉलिक्यूल का, वो किस कारण से होता है, काज ड्यू टू चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब दिस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एस काजेस चेंज इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल। किस कारण से होता है, जब हम किसको चेंज कर देते हैं उसकी, मतलब इस मोशन के कारण जो मॉलिक्यूल है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। आगे क्या होगा हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई थ्री कोऑर्डिनेट्स। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मॉलिक्यूल को, उसको हम किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, हमारे थ्री कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। सो देर आर थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, थ्री डिग्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। एंड जो बाकी के दो मोशन बच गए, अब तीन इसके हो गए, टोटल कितने थे हमारे, मैंने आपको बताया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए कितने चाहिए, थ्री। थ्री एन में से तीन तो ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब बाकी के जो बच गए वो कौन बच गए, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन। तो वो क्या होंगे, रिमेनिंग थ्री एन माइनस थ्री। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे बाकी के जो दो बच गए वो कौन कौन से बच गए, डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद अब हम लेके चलते हैं कोई एक लीनियर मॉलिक्यूल, कि जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे दो तरह के रोटेशनल डिग्री ऑफ मोशन होंगे, मतलब जो रोटेशनल डिग्री ऑफ मोशन होंगे वो हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है। कैसे लेंगे,
सपोज करो ये हमारा एक्स प्लेन है, ये हमारा वाई प्लेन है, सॉरी जेड प्लेन है, और ये हमारा वाई प्लेन है। एक्स वाई जेड, ये दो तरह का रोटेशनल मोशन है। तो अब किस एक्सिस के अलोंग पढ़ रहे हैं हम? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ऐसे रोटेशन शो करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम शो करें अलोंग वाई एक्सिस, डायग्राम हमारा सेम रहेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और मॉलिक्यूल हमारे सेम। लेकिन अब की बार जो रोटेशनल है वो किसकी तरफ है? वाई की तरफ है। तो इस तरह से ये यहां पे और ये यहां से यहां पे। क्लियर है? तो इस तरह से हो जाएगा हमारा जो रोटेशनल है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बेटा हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब जो सबसे पहला था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, वो कितने थे बेटा? तीन। रोटेशनल मोशन मैंने आप कितने बताए? एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, दो। थ्री और टू, थ्री प्लस टू कितने हो गए? फाइव। अब टोटल हमारे पास कितने थे? थ्री एन। उसमें से तीन ट्रांसलेशनल के गए और दो रोटेशनल के, मतलब बचे कितने हमारे पास? थ्री एन माइनस फाइव। मतलब क्या लिखेंगे? वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग एन नंबर ऑफ एटम्स। अगर उसके पास एन नंबर ऑफ एटम है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्री एन माइनस फाइव से। क्लियर है? और अगर हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकालने हैं किसके लिए? नॉन लीनियर के लिए। ये बाकी लाइन सेम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो नॉन लीनियर में क्या होगा बेटा? वो लीनियर नहीं रहा है, एक और ऐड हो जाएगा उसमें। तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? थ्री एन माइनस सिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां से हम कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल, और वो भी कैसा? हमारा लीनियर। सपोज करो ये हमारा एच एफ। अब लीनियर है और डायटोमिक है, लीनियर के लिए क्या फॉर्मूला हमारा? थ्री एन माइनस वन, सॉरी थ्री एन माइनस फाइव। अब एन की वैल्यू कितनी है? एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन, एन की वैल्यू दो, तो कितना होगा? थ्री इंटू टू माइनस का फाइव। मतलब इसके अंदर जो वाइब्रेशनल मोशन हो कितना बेटा हमारा? एक है। क्लियर है? और भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे ओ टू ले लिया। अब इसके अंदर भी दो एटम है तो क्या हुआ? थ्री इंटू टू माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव, अगेन कितना आ जाएगा हमारा? एक वाइब्रेशनल मोशन। क्लियर है? अगर वो दे दे इन पोली एटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल। पोली एटोमिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें दो से ज्यादा एटम हो। तो याद रखेंगे फार्मूला हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्या फार्मूला हमारा? थ्री एन माइनस फाइव। तो एन की वैल्यू पोली एटोमिक में, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2, NO2 या SO2, तीनों में अगर आप देखोगे कितने नंबर ऑफ एटम है? एक सल्फर दो ऑक्सीजन तीन, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन तीन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन तीन। तो एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे हम तो थ्री इंटू थ्री माइनस फाइव, तो कितना आ जाएगा हमारा? नाइन माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर। मतलब इसके अंदर जो वाइब्रेशन वो कितने हैं? फोर है। अगर हम लेते हैं किसके लिए? नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए क्या फॉर्मूला बेटा हमारा? थ्री एन माइनस सिक्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर हमारा नॉन लीनियर होता है, इसमें कितने एटम है? थ्री है, तो थ्री इंटू थ्री माइनस सिक्स, तो कितना बच जाएगा हमारा? नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये किसके लिए हो गया? हमारे नॉन लीनियर के लिए। क्लियर है? तो ये क्या है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम कैसे निकाले लीनियर या नॉन लीनियर मोलिक्यूल के अंदर। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं जितने भी, इसके अंदर से एग्जाम के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे जो डेरिवेशन आने वाले हो तो मैंने आपको करवा दिए हैं पहले वाले लेक्चर में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने इस लेक्चर में बता दिया है। एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछ लेता है आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, एग्जाम्पल दे करके उससे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। एक क्वेश्चन और डाल सकता है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
कि जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसका प्रिंसिपल क्या है बेटा। प्रिंसिपल मतलब क्या, उसका बेस क्या है, सिद्धांत क्या है उसका। तो इस वर्ड से आप समझेंगे बेटा इक्विपार्टीशन, PARTITA, इक्विपार्टीशन। इक्वी का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल, और पार्टीशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है बेटा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है उसके हर एक एटम के अंदर। सपोज करो किसी मॉलिक्यूल के अंदर हमारे 100 नंबर ऑफ एटम है और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो 1000 जूल है, तो हर एक एटम के पास इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब बेटा एक एटम के पास 10 जूल एनर्जी होगी। ये क्या हमारा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और ये माना गया है कि जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसमें हर एक के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या वो कितनी हमारी हाफ केटी है। तो कोई भी मॉलिक्यूल किसी के लिए अगर आपको एनर्जी भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, तो उसके अंदर जो भी हमारा फार्मूला था, थ्री ट्रांसलेशनल मोशन थे तो 3 × ½ kT कर सकते हैं आप, रोटेशनल 2 थे 2 × ½ kT कर सकते हैं, और जो हमारा लेनियर अगर मॉलिक्यूल है तो 3N-5 था हमारा, उसमें आप इसको हाफ केटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम और उससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।